ईबेस इजी बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो ऑडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईबेस के अंदर में सेल्स बिल किस तरह से बनाते हैं, राइट क्लिक मेन्यू किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड में है। सेल बनाने के लिए यहाँ पर आप जाओगे सेल के अंदर में, इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप कंट्रोल एस करके भी जा सकते हैं और क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ सेल्स में। सेल्स में आ गए हम लोग। हम लोग अगर कैश में सेल बनाना चाहते हैं तो कैश ले सकते हैं, उधारी में बनाना चाहते हैं तो क्रेडिट में मुँह ले सकते हैं। मैं उधारी वाला बना रहा हूँ। यहाँ पर डेट अपने आप आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेट अपने आप आ रहा है, यहाँ पे बिल नंबर अपने आप आ रहा है। यहाँ पे हमको सिर्फ पार्टी का नाम रजिस्ट्रेशन करना का हुआ। मैं पार्टी का नाम यहाँ पर स्पेस बार देने के बाद में से लिस्ट आ जाएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक्स वाई ज़ेड एंटरप्राइजेस को ले लिया, उसको यहाँ पर हम लोग रेट टाइप दे सकते हैं कि कौन से रेट में हमको सेल करना है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आप रेट डाल के रख सकते, कोड डाल के रख सकते हो रेट के। तो यहाँ पर मैं सपोज़ कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे एंकर फास्टनर ले लिया, एक क्वांटिटी देखिए उसका रेट यहाँ पे अपने आप आ चुका है। अभी इसको यहाँ पर मैं आप सेव करना चाहते तो यहाँ पे सेव में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका इनवॉइस यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। टैक्स इनवॉइस लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपके कंपनी का नाम, एड्रेस, आपका लोगो, जिस पार्टी को सेल किया उसका नाम, एड्रेस, उसका GST नंबर, यहाँ पे इनवॉइस का नंबर, बिल पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, क्या प्रोडक्ट सेल किया वो, उसका एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, GST कितना लगा हुआ है, अमाउंट कितना था, यहाँ पे सारी चीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने बिल कैसे बनाते हैं वो देख लिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि राइट क्लिक मेन्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं, या तो वो ऑप्शन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप सेल बिल बना रहे हो और यहाँ पर आपने कोई अगर आइटम सेलेक्ट किया है और आपको इससे रिलेटेड में अगर कोई चीज़ें देखनी है तो आपने आइटम नाम को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करना है। तो आपके सामने राइट क्लिक मेन्यू आ जाएंगे। आपको इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको क्रिएट करना है तो कंट्रोल इन कर सकते हैं, इसके अंदर से आइटम क्रिएशन कर सकते हैं, लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्काउंट रेट्स, उससे रिलेटेड में दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये राइट क्लिक के बहुत सारे मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कि यहाँ पे यूज़ किया जाएगा राइट क्लिक मेन्यू। दूसरा, मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ। हम लोग जाएंगे यहाँ पर अभी इजी स्टार्ट के अंदर में। इजी स्टार्ट के अंदर में भी आप किसी भी एंट्री पे राइट क्लिक करोगे तो आपको राइट क्लिक मेन्यू आ जाएगा, इससे रिलेटेड में ही आएगा। हमने पहले जो देखा सेल्स एंट्री में, उससे रिलेटेड में जो ऑप्शन थे वो यहाँ पर आ रहे थे। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे इजी स्टार्ट में तो उससे रिलेटेड में ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। अगर आप यहाँ पर एडिट में जाते हो, एडिट में अल्टर करते हो तो यहाँ पर आप एंट्री अल्टर में आ जाएंगे आप। ठीक है, ये एक हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर रहा हूँ तो हम लोग रजिस्टर में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर हम लोग किसी एंट्री को राइट क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड में जो भी ऑप्शंस रहेंगे मेनू में वो सारे यहाँ पे आपको आ जाएंगे। जैसे एडिट हो गया, डिस्प्ले हो गया, प्रिंट हो गया, है ना। उसके बाद में से फिर यहाँ पर आपको डेट पीरियड चेंज करना है तो उससे उस रिलेटेड में ऑप्शन और उसके शॉर्टकट किस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद में से यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हो ये ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं अगर आप इसमें राइट क्लिक करते हो तो आप स्टॉक आइटम से जुड़ी हुई चीज़ों पे जा सकते हैं। जैसे आइटम को अल्टर करना है, फिफो वैल्यूएशन देखना है ना। इसके बाद में से यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन से लोकेशन देखना है, आइटम वाउचर देखना है, बिन कार्ड देखना है, बार कोड लिस्ट देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से इजी बिलिंग के अंदर में आप अलग अलग तरह से राइट क्लिक करके शॉर्टकट को देख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।